नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टूडियो एंड वेल्डिंग खासी सीरीज एसएनवी एग्जाम्स। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में। तीसरी वीडियो है सीरीज की, बाकी दो वीडियोस के लिए अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में और एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। और सीएचएसएल का एग्जाम जो कि हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है, ऐसे ही द्वारा इसको कंडक्ट कराती है ताकि सभी क्लरिकल पोस्ट भरी जा सकें। तो उसी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन देते हैं जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और जिनकी आने की संभावना पूरी पूरी बनती है इस वाले एग्जाम में भी, ठीक है। तो आपकी तैयारी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं आपको एक क्वेश्चन के साथ में 20 सेकंड। आपको कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चन को उसी 20 सेकंड में सॉल्व करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेट्स अचीव इट। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? राज्य और केंद्र के लिए एकल संविधान, एकल नागरिकता या फिर एकीकृत न्यायपालिका। Which among the following is are the unitary features of Indian Constitution? Single Constitution or State and Center, Single Citizenship, Integrated Judiciary। समय साफ हो चुका है और इसके साथ में आपका जो ऑप्शन है, चार जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर चार, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सभी पहला, दूसरा और तीसरा, तीन हो ही इसके बिल्कुल सही उत्तर होंगे, ठीक है। तो एकात्मक की हम बात करें कि दो तरह के इसमें फीचर्स दे रखे हैं हमारे यहाँ, फेडरल और यूनिटरी। तो ये यूनिटरी फेडरल जो आपके फीचर्स है उसके बारे में पूछा था, तो उसमें ये तीनों ही चीजें आती हैं, ठीक है। एक संविधान है हमारा और एक ही सिटीजनशिप होती है जम्मू कश्मीर को छोड़ के, और हमारी न्यायपालिका भी एक ही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपकी जो लोकल होती है, लेकिन जुडिशरी हमारी एक ही फॉर्मूले पर काम करती है, ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसको देता है? भारत के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति या भारत के रक्षा मंत्री? किसको? आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स होम टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। समय समाप्त, इसी साथ में आपको पता है जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हीं को अधिकार है वे किसी भी तरह की जो नेशनल इमरजेंसी हो या प्रेसिडेंट रूल हो या फिर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी हो उसको लाने का अधिकार है किसी के पास होता है भारत में, तो वो उनके जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास में होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को जो तीन कहता है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मैच करना है तीनों को। आपके सामने है ये क्वेश्चन, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप खुद देखें, जल्दी से मिलान करें, 12 सेकंड आपके पास में। शून्य और समय साहब की घोषणा। यहाँ पर देखिए चौथा ये उसका ऑप्शन है, यानी कि पहले का तीसरा, अमीबा जो है वो फिजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेस, विखंडन किसी भी तल पर हो सकता है अमीबा का। इसके अलावा दूसरे में आएगा दूसरा, बिल्कुल सही है दूसरा वाला तो, और तीसरा वाला जो है उसका आएगा पहला, यानी कि जो आपका प्लाज्मोडियम होता है भूखंडन द्वारा अनेक संतृप्त कोशिकाएं उसके अंदर बन सकती है, यानी मैनी डॉटर सेल्स बाई मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 कहता है, विभिन्न पौधों के ऊतकों को मेरिस्टेमेटिक ऊतक और स्थायी ऊतक के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या होता है? What is the basis of classifying various plant tissues as meristematic tissue and permanent tissue? Size, dividing capacity, location and no option is correct. शून्य, इसी के साथ तो आपकी विभाजन करने की क्षमता होती है, डिवाइडिंग कैपेसिटी, उसके बेसिस पर हम जो डिसाइड करते हैं कि इसका जो आधार क्या होगा, इसके वर्गीकरण का यानी कि इसकी क्लासिफाइंग करने का क्या बेसिस हमारा होगा, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। जो प्रश्न संख्या 5 कहता है, जल पृथ्वी की सतह का कितना परसेंट हिस्सा कवर करता है? 95%, 75%, 55% या फिर 35%? जल्दी से देंगे उत्तर, 10 सेकंड आपके पास। दो, एक, शून्य। जी हाँ, इसका जो उत्तर है वो है 75%। आपने बचपन से पढ़ा होगा भारत का एक तिहाई हिस्सा, मतलब सॉरी आपके विश्व का जो एक तिहाई हिस्सा है वो पूरे पूरे जो है पानी से कवर्ड है। आप अगर ऊपर से कभी भी अर्थ को देखते हैं आपको ओशियंस ज्यादा दिखते हैं, लैंड मास काफी कम दिखता है क्योंकि वो है ही 25%। तो 75% जो पूरी दुनिया का हिस्सा है वो किससे कवर्ड है? आपके पानी से, ठीक है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे कहता है, इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो उसका सही है, 75%। चलते हैं आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। कहता है, निम्नलिखित में से डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डैश एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स या फिर एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। समय समाप्ति की घोषणा। और आपका जो मोज़िला फायरफॉक्स है आप सभी जानते हैं एक ब्राउजर है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी के तीनों जो विंडोज आप यूजर कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स और एप्पल जो कि आपके आईफोन में इस्तेमाल होता है, ये तीनों ही क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। कहता है, हिमालय किसी क्षेत्रीय विभाजन में काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है, इनमें से कौन सा? विच रीजन
रीजनल रिवीजन द हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन द काली एंड तीस्ता, पंजाब, नेपाल, असम या कुमाऊं हिमालय। बताइए जल्दी से, 5 सेकंड आपके पास में। जी हाँ, इसका उत्तर होगा नेपाल हिमालय। आपको मैं बता दूं कि ईस्ट से वेस्टर्न की तरफ जब हम जाते हैं तो फिर हमने हिमालय को अलग अलग जो भाग है उसमें डिवाइड किया है, जैसे पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय और असम हिमालय। तो अलग अलग तरह से हमने उसको डिवाइड किया है और यही इन्होंने पूछा है जो नदियां वहां से बहती हैं उनके हिसाब से। और इन्होंने पूछा है काली और तीस्ता के बीच में कौन सा आता है, तो तीस्ता आप जानते हैं सिक्किम के बीच में बहती है, काली आपकी इधर जो आपके उत्तर प्रदेश और ये आपके उत्तराखंड की साइड और बिहार की साइड बहती है। तो इसके बीच में जो आता है वो आपका नेपाल बसता है और नेपाल की साइड आप सभी जानते हैं जो बचा हिमालय वो कौन सा होता है, आपका काली और तीस्ता के बीच वाला यानी कि नेपाल हिमालय। ठीक है, पंजाब सतलज के साइड वाला होता है। इसी तरह से हिमालय को ईस्ट से वेस्टर्न की साइड में जो है उसका डिवीजन करते हुए चलते हैं। आपको मैं बता दूं नॉर्थ से साउदर्न की तरफ ही हम करते हैं जहाँ पे हम हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक एलोट्रोप नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, 660 या फिर मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, 660 या फिर मीथेन। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, मीथेन जो है इसका एलोट्रोप नहीं है, बाकी डायमंड, ग्रेफाइट और C60 इसके जो इसको फ्लोरेंस बोलते हैं C60 को, वो इसके एलोट्रोप है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 कहता है मनीविल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी है, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 256। द डेफिनेशन ऑफ मनीविल, मनी बिल इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 56, आर्टिकल 110, आर्टिकल 252 या आर्टिकल 256। 2 सेकंड आपके पास, जल्दी से दीजिए उत्तर। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आर्टिकल 110 वो कहता है कि इसमें ही आपकी मनीविल की परिभाषा दी हुई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 110। अगला प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस तरह के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या फिर राज्य और वित्तीय आपातकाल दोनों। जल्दी से देंगे उसका उत्तर, 5 सेकंड आपके पास में। समय समाप्ति की घोषणा जिसके साथ मैं आपको बता दूं नेशनल इमरजेंसी ये होती है उसको बोला जाता है ये, और भारत में एक प्रोग्राम ये की जा चुकी है। और चलते हैं आगे, और इसके बाद में है आपके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, कोई क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 आपने कर लिए हैं। लाइक, शेयर, कमेंट करें वीडियो को, हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा सब्सक्राइब करें चैनल को, आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप अपने सुझाव दें हमको कि हमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या हमको हटाना चाहिए, हम वहाँ पर आपकी बात जरूर सुनेंगे, आपकी मदद जरूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलेंगे इसी टाइम पर शाम को 8:15।